पिछले साल कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इसी लॉकडाउन में रेल यातायात भी ठप्प हो गया था। हालात में बदलाव हुए तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बहाल हुई और रेल सेवा भी, लेकिन भिंड जिले में यात्रियों की ट्रेन का सफर करने में काफी समय लगा। लॉकडाउन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झांसी से चलकर इटावा तक जाने वाली 01881 झांसी इटावा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शुक्रवार रात करीब 8:45 पर पहली बार भिंड पहुंची। भिंड और इटावा के बीच रेल मार्ग से यात्रियों के आवागमन के लिए यह पहला विकल्प है जो लॉकडाउन के बाद खुला है। अब तक लोग सिर्फ सड़क मार्ग द्वारा ही भिंड से झांसी और इटावा का सफर तय कर पा रहे थे। इससे सहूलियत काफी मिलेगी, हद तक इसलिए काफी परेशान हम लोग होते हैं, जैसे गाड़ी खुद की गाड़ी से आना परेशान होना, ट्रेन से क्या है सावधानी से अपने अपने सुरक्षित आते हैं सरकारी रोड जरूर, इसलिए मतलब काफी बहुत हमें ऐसी मिली है जरूरत। अभी जैसे ट्रेन नहीं चल रही थी तो परेशानी आती थी, इतनी काफी परेशानी आती थी, तो रेलवे के फैसले से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। तय समय पर पहुंची ट्रेन में यात्रियों की कमी देखी गई। झांसी और इटावा से रेल यात्रा कर रहे करीब 50 यात्री भिंड स्टेशन पर उतरे। वहीं भिंड से इटावा जाने वाली सवारियों की संख्या मुश्किल से 2 दर्जन थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों को अभी इस ट्रेन की शुरुआत की ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड भी खाली नजर आया, जिससे यह भी साफ हुआ कि ऑटो चालकों को भी अभी इस ट्रेन की शुरुआत की जानकारी नहीं है। बता दें कि 01881 झांसी इटावा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में 1 स्लीपर और 8 सामान्य बोगियां हैं। यह ट्रेन अब प्रतिदिन सफर करेगी। यह ट्रेन अल सुबह 6 बजे इटावा से भिंड पहुंचेगी और ग्वालियर से चलकर आने पर इसका समय भिंड में रात के 8:45 का है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार होने के चलते लोगों को अपने घर आने जाने की एक बड़ी सुविधा की शुरुआत लगभग 11 महीने के बाद हुई है। हमारी तो नाइट ड्यूटी है, शिफ्ट वाइज चलती रहती है ड्यूटी हमारी तो। तो आज ये पहला दिन है लिंक का, जो आज 9:44 पे आई है, हम टाइम से आई है अपने 9:44 पे टाइम से। लोगों तो सर लोगों कितनी सवारियाँ 8:44 ये पहला दिन था तो लगभग कितनी सवारियाँ आई होंगी? सवारी करीब लगभग 50 सवारी तो होंगे, ज़्यादा पता नहीं है। हाँ मतलब आइडिया, हाँ 50 के लोग लगभग। इतने लोग यहाँ से गए भी होंगे? एक लगभग करीब 20-25 लोग गए होंगे अभी। तो मतलब ये डेली रूटीन में रहेगी तो काफ़ी सहूलियत होने वाली है। डेली रहेगी रूटीन में, और ये पहले संडे को बंद रहती थी, अब संडे को भी चालू रहेगी। सर इसके अलावा कोई और भी ट्रेन आ रही है क्या इस समय में? नहीं, अभी तो इसी की सूचना थी हमारे पास, केवल ये लिंक ही चल रही है। हाँ, टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।